गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। किसानों की किस्मत सुधारने के लिए अब खेती बाड़ी में भी ODOP। प्रदेश सरकार की मदद से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने तैयार की सूची। उत्पाद के स्वाद, सुगंध, पौष्टिकता और निर्यात की संभावनाओं को बनाया गया मानक। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। सहेली को बदनाम करने की नियत से लाइकी ऐप की मदद से उसका वीडियो अश्लील गाने से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवती को गीडा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर किया सनसनीखेज खुलासा, भेजा जेल। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 63 गांव हैं बाढ़ प्रभावित, जिसमें 39 ग्राम है मैरून। सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में की गई है समुचित व्यवस्था। 86 बाढ़ चौकियों को किया गया है सक्रिय, नहीं है कोई दिक्कत। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर नहीं स्थापित हुई गणेश की प्रतिमाएं। SPCT ने कहा, शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का लोग करें पालन, घरों में करें गणेश पूजा। अवैध पशु लदे पिकअप के साथ दो पशु तस्करों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। CO कोतवाली ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है विधिक कार्रवाई। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में कोरोना के इलाज के लिए की गई है समुचित व्यवस्था। कोरोना संक्रमितों की पहचान कर किया जा रहा है उपचार। सांसद रवि किशन ने दिल्ली स्थित अपने सांसद आवास में किया गणेश प्रतिमा स्थापित। लोगों से की अपील, कहा घरों में ही करें पूजन, दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गोरखपुर में शनिवार को 282 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या हुई 7008। अब तक 103 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 2780 हुए एक्टिव कोरोना मरीज। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। गणेश चतुर्थी पर कोरोना के कारण सार्वजनिक पंडालों में नहीं स्थापित हुई भगवान गणेश की प्रतिमा। लोगों ने घरों में की गणपति बप्पा की आराधना। प्रदेश सरकार के द्वारा 48 घंटों के लिए लगाए गए लॉकडाउन का महानगर में दिखा असर। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। SPCT ने लोगों से की अपील, कहा बेवजह ना निकले घरों से बाहर, करें लॉकडाउन का पालन। और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लाइन परिसर में RI उमेश कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने दंगा नियंत्रण से संबंधित किया मॉक ड्रिल। CO कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी।